तो चलिए सीधे आपको पंचकुला लिए चलते हैं। तारा ठाकुर हमारे संवाददाता सीधे पंचकुला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारा, पूरा मामला क्या है और कौन सा ये आश्रम है, जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचकुला के रायपुरानी में छोटा त्रिलोकपुरा एक आश्रम है जहां पर हिमाचल से जो है दो लड़कियां, जो नाबालिग बच्चियां सेवा करने के लिए आश्रम में आई थी, और उनका आरोप है कि 3 दिन तक लगातार जो आश्रम के बाबा हैं उनके द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया गया, डरा धमका कर जो है उनके साथ रेप किया गया। और पीड़ितों की जो शिकायत पर महिला थाना ने जो है मामला दर्ज करने के बाद जाँच इस मामले को लेकर शुरू कर दी है। फिलहाल जो बाबा है आश्रम का वो फरार बताया जा रहा है और पुलिस का ये कहना है कि जल्द जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और पुलिस का कहना है कि अभी फिलहाल जो है लड़कियों का मेडिकल करवाया गया है और 164 के बयान दर्ज करवाए गए हैं और जल्द ही जो है आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। आपने बताया कि दोनों पीड़िताएं हिमाचल से हैं, साथ ही कब से आश्रम में थी और इनके परिजनों की ओर से क्या कुछ कहा गया अभी, या वो हिमाचल में हैं, क्या अपडेट है इस पे? जी फिलहाल अभी जो है पीड़िताओं ने जो है पुलिस को शिकायत देने के बाद जब मामला दर्ज किया गया है दोनों लड़कियों की शिकायत पर, तो अभी जो है यही बात निकलकर सामने आई है कि वो जो है हिमाचल से आश्रम में सेवा के लिए आई थी और अपने भाइयों के साथ आई थी, लेकिन बाबा द्वारा जो है उन्हें अलग कमरे में ठहराया जाता था और उनके भाइयों को अलग कमरे में ठहराया जाता था और लगातार 3 दिन तक उन्हें डरा धमका कर जो है रेप करता रहा है। और अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी जल्दी जो है आरोपी को गिरफ्तार करती है, क्योंकि एक अपने आप में शर्मसार जो करने वाला मामला सामने आया है। लोग वहां पर सेवा के लिए जाते थे। जी बिल्कुल, शर्मसार कर देने वाला वाकई मामला। आस्था के आड़ में किस तरह से घिनौना काम किया गया है, घिनौनी करतूत को अंजाम दिया गया है, ये इस मामले से सामने आया है। फिलहाल शुक्रिया तारा ठाकुर आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो पंचकुला के रायपुर रानी का मामला है, 3 दिन तक लगातार दुष्कर्म किया गया है, आश्रम के बाबा पर आरोप है, बाबा फिलहाल फरार है जो कि आरोपी है मामले का। पुलिस जो है, महिला पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रखी है, महिला थाने में शिकायत दी गई है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, फिलहाल जांच जारी है।